तो गियर ड्राइंग बनाने के लिए आपको जो वैल्यूज़ चाहिए होंगी, आज उसकी बात करेंगे, फॉर्मूले वगैरह। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा पीसीडी। तो पीसीडी बराबर होता है यहाँ पर धातु की संख्या गुणा सीपी अपॉन पाई, तो यानी कि आपका टी इंटू सीपी बाई पाई। सबसे पहले आप इसको निकाल लेंगे, उसके बाद आप निकालेंगे एडेंडम। एडेंडम होता है आपका पिच सर्कल और एडेंडम सर्कल जो आपका होता है उसके बीच की दूरी, तो ये आपका होता है डी बाई टी। अगर आपको डी बाई टी नहीं पता है, सीपी पता है, तो सीपी के टर्म में भी यहाँ पर आपका एडेंडम निकल जाता है। तो यहाँ पर और एडेंडम इक्वल टू हो जाएगा आपका सीपी पाई पाई। इसके बाद आप निकाल लेंगे एडेंडम सर्कल डायमीटर। तो एडेंडम सर्कल डायमीटर बराबर होता है आपका पी सी डी प्लस टू इंटू एडेंडम। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे इसको, आपका एडेंडम सर्कल डायमीटर को। इसके बाद क्लियरेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो आपका एडेंडम निकालने के काम आएगा। तो क्लियरेंस इक्वल टू होता है सी पी बाई ट्वेंटी। इसके बाद निकाल लेंगे एडेंडम। तो एडेंडम बराबर होता है हमारा यहाँ पर एडेंडम प्लस क्लियरेंस। तो यहाँ पर हमारा डिडेंडम निकल जाएगा, और इसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर डिडेंडम सर्कल डायमीटर। तो ये इक्वल टू होता है हमारा पी सी डी माइनस टू इंटू डिडेंडम। तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा जो आखिरी में बचे होगा जो होगी दांतों की चौक मोटाई, तो यहाँ पर हमारा टूथ थिकनेस निकल जाएगा। तो टूथ थिकनेस होती है हमारी आपकी सी पी अपॉन टू पिच सर्कल का आधा। तो यहाँ से हमें जो है आपकी ये वैल्यूज़ चाहिए होंगी। अगर आपको क्वेश्चन में मॉड्यूल के टर्म में दिया होगा, तो मॉड्यूल के टर्म में निकालने के लिए यहाँ पर इन वैल्यूज़ को, तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो पी सी डी बराबर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एम इंटू टी, यानी कि मॉड्यूल गुणा नंबर ऑफ टीथ। और ऐसे ही यहाँ पर हमारा सी पी अगर हमें निकालना होगा, तो सी पी बराबर निकल जाएगा हमारा पाई इंटू एम से। इसके बाद अगर हमें एडेंडम निकालना होगा, एडेंडम निकालना होगा, तो एडेंडम हमारा होता है मॉड्यूल के बराबर। तो यहाँ से हमारा एडेंडम सर्कल डायमीटर निकल जाएगा सेम ऐसे ही पी सी डी प्लस टू इंटू एम। ये चीज़ क्लियरेंस हमारा यहाँ निकल जाएगा सी पी बाई ट्वेंटी से, और सी पी बराबर हमारा पाई एम दे रखा है। इसके अलावा भी आप निकालना चाहेंगे, तो यहाँ पर जो क्लियरेंस होगा मॉड्यूल के टर्म में हमारा हो जाएगा, मॉड्यूल के टर्म में क्लियरेंस हमारा हो जाएगा 0.157 m। इसके बाद एडेंडम निकालेंगे, तो ये आपका निकल जाएगा एडेंडम प्लस क्लियरेंस। तो एडेंडम हमारा मॉड्यूल हो गया है, और क्लियरेंस हमारा हो गया 0.157 m। तो यहाँ पर से हमारा एडेंडम हो जाएगा आपका 1.157 m मॉड्यूल। ऐसे ही एडेंडम सर्कल डायमीटर हमारा हो जाएगा पी सी डी माइनस टू एडेंडम, यानी कि आपका पी सी डी हो गया, पी सी डी आपका एम इंटू टी हुआ, एम इंटू टी आपका माइनस टू इंटू 1.157 m। तो यहाँ से आप कैलकुलेटर करके निकाल लेंगे। और ऐसे टूथ की थिकनेस निकालनी होगी, तो टूथ की थिकनेस यहाँ पर या दांत की मोटाई हमारी हो जाएगी यहाँ पर 1.57 m मॉड्यूल, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास गियर की ड्राइंग के लिए एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे निम्न डाटा की सहायता से इस पर गियर के दांतों की रचना कीजिए, ये हमारा क्वेश्चन है, जिसमें दांतों की संख्या दे रखी है हमें 24। तो दांतों की संख्या यहाँ पर हमारे टी से डिनोट करते हैं, तो टी हो गया। और यहाँ पर प्रेशर कोण या दाब कोण दे रखा है, प्रेशर एंगल 14.5 डिग्री, ठीक है। और आमतौर पर 20 दिया रहता है, यहाँ पर 14.5 दिया। तो आप जब भी चादे पर करेंगे तो ध्यान देना है। यहाँ पर मॉड्यूल दे रखा है यहाँ पर एम इक्वल टू 8 mm। तो हम सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं, यहाँ पर पी सी डी निकाल लेते हैं, क्योंकि मॉड्यूल का टर्म में दे रखा है, तो यहाँ मॉड्यूल के टर्म में ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो पी सी डी बराबर होता है आपका, जैसे मॉड्यूल बराबर होता है पी सी डी अपॉन टी, तो पी सी डी बराबर हो गया एम इंटू टी। तो यहाँ पर एम इंटू टी इक्वल टू हमने यहाँ पर कर दिया, एम हमारा हो गया 8, पी सी डी बराबर एम इंटू टी, तो ये हो गया। तो यहाँ पर से हमारा मॉड्यूल 8 हो गया, और टी हमारा 24 हो गया। तो यहाँ पर पी सी डी जो है पी सर्कल डायमीटर वो निकला हमारा 192 mm। तो इसके बाद हमारा एडेंडम निकालते हैं, तो एडेंडम हमारा मॉड्यूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारा एडेंडम निकल जाएगा 8 mm, जो कि मॉड्यूल है। उसके बाद क्लियरेंस हमारा होता है सी पी बाई 20 कह लें, या आपका 0.157 m, इससे भी हम क्लियरेंस निकाल सकते हैं।
तो जिसकी वैल्यू यहाँ पर आ रही है हमारी 1.257 mm, तो ये हमारा क्लियरेंस आ गया 1.257 mm। इसके बाद हम निकालते हैं, क्योंकि हमने एडेंडम निकाल दिया तो एडेंडम सर्कल डायमीटर निकालेंगे, तो एडेंडम सर्कल डायमीटर हमारा PCD प्लस ट्वाइस इंटू एडेंडम होगा, तो PCD हमारा 192 था और एडेंडम हमारा 8 था, तो यहाँ पर से हमारा एडेंडम सर्कल डायमीटर जो होगा हमारा 208 mm निकल जाएगा, क्योंकि हमने डेडेंडम यहाँ पर निकाल दिया पहले, जो कि डेडेंडम बराबर हमारा एडेंडम प्लस क्लियरेंस था, तो यहाँ पर से हमने इसको निकाल दिया है आपका 9.257 mm आ रहा है। तो अब हमारा डेडेंडम सर्कल डायमीटर हमारा यहाँ पर से निकल जाएगा PCD माइनस 2 इंटू डेडेंडम, तो यहाँ पर से इसको कैलकुलेट करके हमारा निकल जाएगा 173.5 mm। दांतों की मोटाई मॉड्यूल के टर्म में आपकी हो जाएगी 1.57 mm, तो मॉड्यूल हमें दे रखा है आपका 8, तो यहाँ पर इंटू 8 हो जाएगा 1.57 into 8। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज़ हैं जिसको हमें ज़रूरत होगी गियर का डिज़ाइन करने के लिए, तो यहाँ पर आप डिज़ाइन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम पिच सर्कल डायमीटर जो हमारा है उसको बनाने के लिए पहले सेंटर लाइन बना लेंगे, तो सेंटर लाइन के लिए हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन लाइन बना ली है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई, हमने यहाँ पर इसका ओरिजिन बना दिया पूरा। तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर PCD आपका निकल रखा था 192 mm, जो कि आपका डायमीटर है, तो यहाँ पर हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट किया, तो रेडियस हमारा आ जाएगा 96, मैं यहाँ पर इसको आर लिख देता हूँ समझने के लिए, 96 mm हमारा हो गया। तो अब हम स्केल में यहाँ पर इस डायमीटर का हमें एक सर्कल खींचना होगा गियर बनाने के लिए, तो 96 का हम यहाँ पर सर्कल खींचेंगे PCD, तो हमने इसको ले लिया ऐसे करके, तो यहाँ पर हम 96 mm रेडियस का यहाँ पर हमने एक सर्कल खींच दिया जो हमारा PCD को दिखा रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में यहाँ पर जो प्रेशर एंगल है वो दिया है 14.5 डिग्री, तो अब यहाँ पर हम जो हमारा ये सर्कल है उसके सेंटर से यहाँ पर हम 14.5 डिग्री का एक एंगल खींचेंगे, तो 14.5 डिग्री का एंगल खींचने के लिए सबसे पहले हमने चांदे को रख दिया यहाँ पर, लाइन को अलाइन कर दिया। अब यहाँ पर 14.5 के लिए आप देखेंगे ये 10 है, उसके बाद ये 15 हो गया, 14 हो गया, तो 14.5 हमारा यहाँ पर रहेगा, तो अब हम इसको स्केल द्वारा मिला देंगे। ये हो गया, इसके बाद हम यहाँ पर टेंजेंट डालने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम पर ड्राफ्टर नहीं है, तो हम यहाँ पर टेंजेंट डालने के लिए ये हमने पॉइंट ले लिया ताकि टेंजेंट हम निकाल पाएँ इस सर्कल से, तो ये टेंजेंट हमने डाल दिए। इसके बाद हमारा जो प्रेशर एंगल हमें दिया हुआ था 14.5 का, तो यहाँ पर से हमें एक कोण खींचना 14.5 डिग्री का, और इसको हम आगे यहाँ बढ़ा देंगे, तो यहाँ ये जिस पॉइंट पर काट रहा है ये आपका जो पॉइंट है बेस सर्कल पर होगा, तो यहाँ पर अब हम दोबारा से प्रकार लेंगे और इस पॉइंट पर मिलाते हुए जहाँ पर हमारी दो लाइनें हैं उनका कटिंग पॉइंट जहाँ पर है उस पॉइंट को रेडियस मानते हुए एक सर्कल खींचेंगे। यहाँ पर हमें दांतों की मोटाई हमें दी हुई है 12.56 mm, तो हम स्केल में यहाँ पर 12.56 mm को ले लेंगे, तो 12.56 इक्वल टू होता है हमारा 1.256 cm, तो ये हमने ले लिया। तो अब यहाँ पर हम जो हमारा पिच सर्कल डायमीटर है उसमें चाप काटेंगे अपने टूथ की थिकनेस के बराबर, तो यहाँ पर दांतों की मोटाई के हम पूरी चाप ले लेंगे अपने पूरे पिच सर्कल पर।
तो सर्कल पर यहाँ पर अभी दांतों की मोटाई के बराबर चाट का चाप काटने के बाद अब हम यहाँ पर एडेंडम सर्किल और एडेंडम सर्किल को खींचेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो एडेंडम सर्किल है उसका डायमीटर देखा 208, तो यहाँ पर हम रेडियस निकाल लेंगे इसको। तो रेडियस आ रही यहाँ पर इसकी 104 mm, तो 104 mm का मतलब है यहाँ पर हमारा 10.4 cm। का यहाँ पर हम सर्कल खींच देंगे जो हमारा एडेंडम सर्कल को दिखाएगा। उसके बाद यहाँ पर हम एडेंडम सर्कल डायमीटर खींचेंगे। तो हमें यहाँ दिया है एडेंडम सर्कल डायमीटर 173.5, तो यहाँ पर हम इसको डायमीटर के रेडियस के टर्म में निकाल लेंगे। तो 173.5 भागा 2 कर लिया, तो यहाँ पर हमारा 86.75 रेडियस निकल गया इसकी। तो 86.1 तो 8 ये रहा और 6 ये रहा, ठीक है, तो 8.67 ये हो गया हमारा इतना। तो यहाँ हम इसको अब खींच लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा एडेंडम सर्कल। तो यहाँ पर अब अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो गया एडेंडम सर्कल, ये हमारा हो गया बेस सर्कल, ये हमारा होगा पिच सर्कल, और ये हो गया हमारा एडेंडम एडेंडम सर्कल। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं, अब हम बनाएंगे दांत। अब यहाँ पर हम दांत बनाना स्टार्ट करेंगे गियर के। तो यहाँ पर हमने जो गियर है, गियर में यहाँ पर चाप काटे हुए अपने दांतों की मोटाई के बराबर, तो ये जो हमारे चाप काटे हुए हैं इनके बीच की दूरी हमारी 12.56 mm। तो यहाँ पर हम इसके दुगने के बराबर यहाँ पर दूरी ले लेंगे और यहाँ पर हम चाप काटना स्टार्ट करेंगे आपका बेस सर्कल से, और अल्टरनेट में यहाँ पर ये चाप हम काटते रहेंगे। तो ये आपको केवल बेस सर्कल तक ही करना है। उसके बाद यहाँ से इसका अल्टरनेट को ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने चाप काट लिए हैं, इसके बाद हम यहाँ पर डेडेंडम सर्कल के साथ इसको जोड़ देंगे और अपने जो टीथ हैं उनको पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा डेडेंडम के साथ टीथ का जो एक कोण होता है यहाँ पर, ये हमारा होता है CP/8। तो यहाँ पर CP/8 अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा पी होगा, CP होता है हमारा πm। तो अगर हम यहाँ पर जो हमें जो यहाँ पर आर्क बनाना है ये हमारा होता है CP/8 के बराबर, तो CP हमारा होता है πm। अगर हम इसको निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा 25.12, और यहाँ पर से इसको अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा CP/8 आ जाएगा 3.14 mm, तो जो कि हमारा बहुत छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पर इसको हाथ से ही अब बनाना शुरू करेंगे और फिनिशिंग देना स्टार्ट करेंगे डेडेंडम के साथ। और दांतों को हम यहाँ पर पूरा कर लेंगे कुछ इस तरह। तो यहाँ पर हमारा ये गियर की ड्राइंग बन गई है जिसके दांतों की संख्या 24 है और प्रेशर एंगल हमारा 14.2 degree है और मॉड्यूल दिया है इसका 8। तो ऐसे ही आपको करना है, इन स्टेप्स को पूरा करना है और आपकी जो गियर की ड्राइंग होगी वो पूरी हो जाएगी। यहाँ पर जो एडेंडम सर्कल है उसका डायमीटर हमें दे रखा है 208 mm, जो कि ये है 208 mm, और एडेंडम सर्कल जो है आपका 173.5 है। एग्जामिनर आपका यही चीज़ें देख के चेक करेगा, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा
डिडेंडम सर्कल, जैसा कि हमने कहा हमारा जो डिडेंडम है कैलकुलेशन से ऐसे 173.5, तो आप देख रहे होंगे ये 173 के आसपास है क्योंकि 0.5 हम यहाँ पर निकाल नहीं सकते। ऐसे यहाँ पर पिच सर्कल हमारा निकला हुआ है आपका 18 पॉइंट, आपका निकला हुआ है 192 के आसपास। हाँ तो यहाँ पर हमारा 192 ये रहा, ठीक है। और बीच वाला जो ये वाला है ये हमारा बेस सर्कल है, और इसके बाद जो हमारा रहा एडेंडम, तो एडेंडम सर्कल हमारा निकला है 208, तो आप देख पा रहे हैं 208 है। तो एग्ज़ामर इन्हीं को चेक करेगा, तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख के आप खींचें, और एंगल भी चेक कर सकते हैं। एंगल हमारा यहाँ पर है 14.2, तो आप देख पा रहे होंगे 14.2 के आसपास।